हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं अंतिम प्रहार सीरीज पे हूं और इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अंतिम प्रहार सीरीज पे हूं। एक बार ही अंतिम प्रहार सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद ही फिफ्थ यूनिट अपलोड होगी, क्योंकि मैं एक बार आपसे डर निकालना चाहता हूं कि इस पेपर के अंदर कुछ भी नहीं है, आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, यह है बॉन्ड वैल्यूएशन का। तो यहां पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए कि बॉन्ड होते क्या है। बॉन्ड एक तरीके का लेटर होता है और यह सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब यदि मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए तो यकीन मानिए कंपनी को पहले मुझे पेमेंट करना ही होगा। अगर कंपनी के मैंने बॉन्ड खरीदे हैं तो यूजुअली इसमें रिटर्न भी होता है 7-10% के बीच में। इसमें लो रिस्क कहलाते हैं, ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। जब कंपनी को लोन लेना होता है तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। जब उनको मार्केट से लोन लेना होता है फ्री ऑफ इंटरेस्ट तो इक्विटी शेयर इशू करते हैं। इसी के साथ प्रिफरेंस शेयर और बॉन्ड्स, ये डिवेंचर, ये तीनों ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है और ये गवर्नमेंट फाउंडेशन होती है। अब बॉन्ड क्यों इशू करती कंपनी, जब कंपनी को बैंक के पास नहीं जाना है, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास जाना है। मतलब बॉन्ड जो है वो 500 रुपये का भी हो सकता है। मैंने एक बड़ी कंपनी का बॉन्ड लिया 500 रुपये का, यानी मेरे को एक कंपनी को उधार देना है। अब मैं कंपनी है 10,000 करोड़ की, मेरे पास अकाउंट में पड़े हैं कुछ करोड़ रुपए, अभी नहीं पड़े लेकिन कह सकते हैं, ठीक है, कुछ करोड़ रुपए। तो मेरे को कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी के ऊपर पैसा लगाना है। तो कंपनी ने बॉन्ड इशू करे 500 रुपये के, मैंने नंबर ऑफ 10 बॉन्ड्स खरीद लिए तो मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 5,000। कंपनी में अभी बॉन्ड का रेशियो चल रहा है 7%, यानी कंपनी इज लाइबल टू पे, कंपनी लाइबल है मेरे पास 7% पर ईयर इंटरेस्ट देने के लिए, यानी 350 रुपीज मेरे को कंपनी हर ईयर, सॉरी ईयरली डिपॉजिट करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जब इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए होते हैं, कुछ 10 ईयर्स के लिए भी होते हैं, तो तब ये मेरे को जो मेरा मूलधन है वो वापस दे देगी। इसमें मैं एक छोटा सा अमाउंट जो मैं FD RD में न रख के कंपनी को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब ये क्यों मैं रिटेल इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि FD से इसमें ज़्यादा ब्याज होता है, सिंपल सा फंडा है, FD से ज़्यादा ब्याज होता है, बाकी ऐसे कोई बॉन्ड की कुछ ज़्यादा राइट नहीं होती। तो बॉन्ड का वैल्यूएशन एक इन्वेस्टर का अपने जो डाइवर्सिफिकेशन वाला अपन पोर्टफोलियो सीखते हैं कि बॉन्ड भी होने चाहिए, शेयर्स भी होने चाहिए, डिवेंचर होने चाहिए इसमें, क्योंकि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी बिकेगी, कंपनी दिवालिया होगी तभी पैसा डूब सकता है, वरना कंपनी में पैसा डूबने वाला नहीं है। और यूजुअली 8-10% पे बॉन्ड चलते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्या आ सकता है? न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि बॉन्ड वैल्यूएशन बताइए, इसका न्यूमेरिकल भी है हमारे कोर्स में। तो आइए, इसका न्यूमेरिकल डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आएगा, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड वैल्यूएशन सीख लेते हैं, थ्योरी में क्या कह रहा है, आपको यहीं पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और एक ही कर लिया तो आप वहां एग्जाम में भी कर लोगे और 100% कर लोगे। अगर ये वाला न्यूमेरिकल आपने बना लिया ना तो आप एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर लोगे, अगर बॉन्ड का आया तो, ठीक है। बॉन्ड वैल्यूएशन इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, यानी कि एक जो बॉन्ड है उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को बॉन्ड वैल्यूएशन की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। बॉन्ड वैल्यूएशन इज द इंक्लूडिंग कैलकुलेटिंग ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट, ऑल्सो नोन एज अ कैश फ्लो इन बॉन्ड वैल्यू अपॉन मेच्योरिटी, ऑल्सो नॉन एज अ फेस वैल्यू एड और पार वैल्यू। मीन्स कि बॉन्ड की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है फ्यूचर के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आपको सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले अपन एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इसका आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से आराम से इसका कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, कैलकुलेटर के बिना यह बनेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि जब आपको 1.8% ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तब बिना कैलकुलेटर के 1+1R करके जब अपन निकालते हैं 1/1+R करके तब आपसे निकलती नहीं है, है ना। तो मिस्टर ए इन्वेस्ट बॉन्ड ऑफ ₹1,000, 7% कूपन रेट। अच्छा सर, ये कूपन रेट क्या है? कूपन रेट का मतलब जो इंटरेस्ट मेरे को मिलने वाला था, मैंने बताया था ना वो 350 रुपये, इसी को बॉन्ड की लैंग्वेज में कूपन रेट बोलते हैं। बॉन्ड की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट। बस बात क्लियर हो गई। 5 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, यानी बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 5 साल है।
द मार्केट यील्ड ऑफ सच बॉन्ड इज 8%. मार्केट यील्ड का मतलब कि मार्केट में आपको 8% से रिटर्न मिल रहा है. मार्केट में 8% से भर वो कंपनी जो है वो आपको कितना रिटर्न दे रही है, 7% दे रही है. या इस 8% का यील्ड का मतलब आप लिख लो कि ये आपकी डिस्काउंटेड रेट है. क्या याद रख लोगे आप इसको, डिस्काउंटेड रेट, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. ये याद रखने का तरीका है. देखो इसको बोलते कुछ और है, आप याद रख लो कि जो मार्केट की यील्ड रेट होगी उसको कौन सी रेट मानना है, डिस्काउंटेड रेट. बस इतना तो याद हो जाएगा, बस इतना याद हो गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. जो कूपन रेट होगी वो मेरे को मिलने वाला इंटरेस्ट है. आइए फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं. व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, सिंपल है. एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं. मिस्टर ए इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, 1000 रुपए बंदे ने इन्वेस्ट करे, 7% की कूपन रेट है. 7% की कूपन रेट यानी हर महीने कितना मिल, हर साल में कितना मिलने वाला है, 7% ब्याज मिलने वाला है. 5 ईयर के बाद उसका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा. द मार्केट यील्ड ऑफ सच इज 8%. यहाँ पे मार्केट यील्ड बोला, हम क्या मान रहे हैं, डिस्काउंट रेट, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमको 8% पे कैलकुलेट करनी है. व्हाट विल बी द डिटर्म प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बस यहां तक क्लियर हो गया. आ जाओ आप क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो सबसे पहला 1000 रुपए इन्वेस्ट करें, 7% की कूपन रेट है, तो पहले साल तीसरे पांचों साल मेरे को कितना पेमेंट मिलेगा. पहले साल 70 रुपए मिलेगा, दूसरे साल 70 रुपए मिलेगा, तीसरे साल 70 मिलेगा, और चौथे साल 70 मिलेगा, और पांचवें साल 1070 रुपए मिलेगा. 1000 तो मेरे मूलधन के और 70 ये, बताओ ये 5 साल और ये 5, इतना कर लोगे ना, अभी ये मत देखो, इतना कर लोगे ना, ये कैश फ्लो जो भी अपना इंटरेस्ट आएगा. मैंने इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं करा होगा आपने आज तक, मैं यकीन मान के कह रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर पाते. कूपन रेट है हमारी इंटरेस्ट रेट, हर साल जितना इंटरेस्ट आएगा, जैसे 5000 का 350 आया था अपना, है ना, 5000 का, तो हर साल कितना मिल रहा होता उसमें. यदि मैं उस 5000 का कैलकुलेट करता, 5000 का कैलकुलेट करता तो 3, 4, 5, तो 5000 में 350 फर्स्ट ईयर, 5000 और कूपन रेट है 7%, यानी कि हमारी इंटरेस्ट रेट, तो 350 और पांचवें साल हमको 5350 रुपए मिल जाएंगे. बताओ कोई बात गलत है. अब मेरे को केवल नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ये आप सबको कैलकुलेटर की आदत से बहुत बार सिखाया जा चुका है, नहीं तो एग्जाम में भी आने की प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है कि एग्जाम में नेट प्रेजेंट वैल्यू भी वो लिख के दे दे. नहीं आए तो आराम से इसका कैलकुलेटर से सीख लेना, 1 डिवाइड बाय करके निकालते हैं. आप सबको आता ही होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है. नहीं तो कमेंट कर देना भैया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं आ रही सर, कैलकुलेटर से मैं बना के बता दूंगा, ठीक है. बहुत इजी है, ठीक है. नेट प्रेजेंट वैल्यू 8% पे निकाली है, 0.926, 0.857. और मैंने पिछले साल शायद आपको वीडियोस में बताया भी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टैटिक्स के वीडियो में, जो फर्स्ट ईयर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको सिखा चुका हूं ये मैं, ठीक है. 0.75, 0.68, ठीक है, क्लियर हो गया. ये 5 साल की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई. अब कुछ नहीं करना, ये कैश फ्लो का इस प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है. कैश फ्लो का ये जो 70 × 0.926, 70 × 0.857, 1000 × 681, ये सारी की सारी टोटल कर लोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी, 960.51. यानी कि 5 साल बाद जो मेरे को पैसा मिल रहा है वो 960.51 रुपए के बराबर है अभी के. ये बात आपको मान के चलनी है, क्योंकि पैसे की वैल्यू बढ़ती है तो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड कितनी है, 960. इसको ऐसा समझिए कि अभी मैंने कोई 1000 रुपए का खर्चा किया है तो 5 साल बाद ये 1000 का खर्चा बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा, ये 1000 का खर्चा 1200 हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही होती है. तो ये वही बात कह रहे हैं कि 5 साल बाद ये जो बढ़ रहा है आपका, है ना, तो ये अभी उसकी कितनी वैल्यू है, तो ये वही बता रहा है कि अभी उसकी 960 रुपए वैल्यू है. 960 आंसर होता है. देखो सिंपल से आपको ईयर लिख देना है, ईयर लिखने के बाद कैश फ्लो लिख देना है. अब पीवी रेशो निकालना है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 8% पे. आप 10 पे करके देखो, 12 पे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन बनता है. फिर यहां पर प्रेजेंट वैल्यू, यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर देना है कैश फ्लो के साथ में और टोटल लगा देनी, जो टोटल होगी वो आंसर होगा. 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक में क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर का मूड. मेरे को कोई इसका आज तक पता नहीं चला कि ये किस हिसाब से क्वेश्चन दे रहे हैं. 3 नंबर का क्वेश्चन है. कभी कभी मैंने इसको बड़ों में भी आते हुए देखा है और क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है.
ऐसे उड़ा दोगे। कॉमर्स के और नॉन कॉमर्स के चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जय हिंद, बने रहिए, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और इसी के साथ डिटेल में अपन एनालिसिस सीख रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।